बिहार पुलिस की महिला कमांडो ट्रेनिंग के बाद अब अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं और सामने दिख रही ये लड़कियां महाराष्ट्र के सीआरपीएफ कोबरा बटालियन से ट्रेनिंग करने के बाद यहां पर पहुंची हैं और अब इनकी तैनाती मुख्यमंत्री सुरक्षा में, पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में और साथ ही एटीएस और अन्य जगहों पर इनकी तैनाती हो सकती है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं बीएमपी का ग्राउंड है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ये बेटियां अपने कर्तव्य दिखा रही थी। कहा यह जाता था पहले कि लड़कियां घर से बाहर कैसे निकलेंगी और उनके लिए चूल्हा चौका से ज़्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन महिला सशक्तिकरण को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक निर्णय लिया था कि इन लड़कियों को सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग दिया जाए और उसके बाद इनको अब बिहार के विभिन्न स्थानों पर इनकी तैनाती होगी जिसमें मुख्यमंत्री सुरक्षा में भी ये लोग जा सकती हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी ट्रेनिंग आलोक राज जी। ये बताइए कितनी लड़कियां यहां से गई थी ट्रेनिंग के लिए और इसके बाद अब इनकी तैनाती कहां पर होगी? हम लोगों ने कुल 92 कमांडोज का चयन किया था। ये सभी सिटी से मुदखेड़ गई थी और वहां से सभी ट्रेनिंग लेकर लौटी हैं। अब इनकी तैनाती आवश्यकता अनुसार एज पर द रिक्वायरमेंट की जाएगी। ये सभी जंगल वॉरफेयर में, अर्बन वॉरफेयर में, क्लोज क्वार्टर बैटल में और डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस में ये ट्रेंड है और ये सभी ने बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का बहुत ही विशेष कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब आप ये समझ लीजिए कि आँख में पट्टी बांधकर ये 30 सेकेंड्स में AK-47 राइफल को खोल कर जोड़ सकती है। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल का ट्रेनिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ भी इनकी डिप्टेशन होगी, चाहे वो ATS हो या STF हो या SSG हो या हमारी ऑपरेशनल टीम में हो, वहाँ ये बहुत ही उच्च कोटि का काम करेंगे, बहुत ही उत्कृष्ट काम करेंगे। ये काफ़ी ट्रेनिंग अच्छी रही है? बहुत ही अच्छी रही। आप खुद इनसे पूछिए, 40 किलोमीटर रन करके आई हैं, आप पूछिए कैसी रही ट्रेनिंग आप लोगों की? सर, हम लोग का ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए मिथिलेश्वर स्टेडियम, हम लोग को 17 मार्च को यहाँ पे बुलाया गया सभी कमांडो को। तो जब यहाँ से रनिंग पहले 10 किलोमीटर का स्टार्ट हुआ, यहाँ पे काफ़ी सर हम लोग को सीट अप पुशअप और 10 किलोमीटर का रनिंग करवाए। उसके बाद हम लोग BMP 9 गए, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 9, वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी हम लोग को मिट्टी 10 kg पीठ पे और एक। जब आप CRPF के कैंप में ट्रेनिंग के लिए गई थी उस समय आप लोग का ट्रेनिंग कैसा रहा? सर, वहाँ काफ़ी अच्छा सराहनीय रहा क्योंकि जो चीज़ हम लोग कभी सपने में नहीं सोचे थे वहाँ पर हम लोग वो चीज़ करके आए। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग एक रस्सी के सहारे हम लोग वहाँ पर गए, रैपलिंग किए, क्लैपलिंग किए और 26 ऑप्टिकल थे जो बहुत हार्ड थे, तो वो हम लोग को 12 मिनट से लेकर 16 मिनट में कंप्लीट किए और 40 किलोमीटर का रन किए जो 10 किलोमीटर पीठ पर लेकर 5 किलो राइफल लेकर, जो कि कभी हम लोग ये मतलब एक महिला होने के नाते, आज तक तो पुरुष ही ये सब कमांडो की ट्रेनिंग की है, लेकिन महिला होकर हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग ये सब बिहार सरकार मौका दिए करने के लिए और हम लोग को उस लायक समझे। तो हम लोग क्या इस तरह से महिला इस तरह से हमेशा आगे बढ़ेगी अगर हम लोग को इस तरह से समझा जाएगा, तो हमें पूरा विश्वास है बिहार सरकार से कि हम लोग को इस तरह का मौका हमेशा मिले और भी जो कमांडो है मतलब जो भी महिला सिपाही है उन्हें भी इस तरह का मौका दिया जाए। सर, अगर ठान ले तो ट्रेनिंग टफ नहीं होती है क्योंकि अगर हम लोग जहाँ तक करेज का बात हुआ, हम लोग बहुत ही पेशेंस और हिम्मत से पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। यहाँ 92 लड़कियाँ गई थी, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था कि हमारी जाकर कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग। वहाँ जाकर ऐसा लगता था कि बस जाकर पास होकर आ जाएंगे, बट वहाँ जाने के बाद जो हिम्मत मिली, धीरे धीरे हम लोगों ने जो प्रोग्रेस किया, अपने इम्प्रूवमेंट किए, जितने ट्रेनिंग थे स्टार्टिंग में बहुत ही हार्ड लगता था सर, क्योंकि जब हम लोग ने ऑप्टिकल्स देखे थे तो 26 फीट का वॉल था, ऐसा लगता था जैसे पहाड़ खड़ा हो गया है और कभी भी हम लोग इस पर चढ़ ही नहीं सकते। 26 ऑप्टिकल्स है, 1-2 कर लेंगे वही बड़ी बात है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग की ट्रेनिंग प्रोग्रेस करती रही हम लोगों ने वो सारे कंप्लीट किए। खबर आपके गांव की, खबर आपकी गलियों की, खबर आपके मोहल्ले की, खबर आपके शहर की, खबर आपके आसपास की।
खबर आपके सरोकार की, आपके जिले की हर खबर को लेकर हम हैं वोकल। देखते रहिए अपने मोबाइल पर न्यूज 18 लोकल।